बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, वीक 15, लेक्चर 30। इसमें हमारे जो ऑब्जेक्टिव है आज के, दैट्स अ कीबोर्ड इवेंट्स, कि आपके कीबोर्ड्स की जो कीज हैं, जो आप कीबोर्ड से टाइप करते हैं उसकी जो कीज हैं, अल्फाबेट्स हैं, डिजिट्स हैं, फंक्शनल कीज हैं, एरोज कीज हैं, कुछ एडिशनल कीज हैं लाइक कंट्रोल्स की, कमांड की, शिफ्ट की, कैब्स, एस्केप, बैक स्पेसेस और इस तरह की जितनी भी कीज हैं, उन की के इवेंट क्या हैं। अब की के मेजर ये इवेंट्स हैं, की प्रेस, पी एंड डाउन, ठीक है, की प्रेस, की डाउन, की अप, ठीक है ना, और एंटर की भी है। अब ये जो की इवेंट्स हैं, इस इवेंट्स में की डाउन, की प्रेस और की अप, ये तीन मेजर इवेंट्स हैं। की डाउन में आपके इवेंट्स जो अकर होते हैं कि जब आप की को एक की टाइप करते हो ना, टैप करते हैं आप, उस की में जो इवेंट है, तीन इवेंट अकर होते हैं। सबसे पहले जो है की को आप फिंगर से प्रेस करते हैं, की डाउन सबसे पहले इवेंट अकर होता है, फिर उसके बाद की प्रेस होता है, और फिर आप जब उसको अगर होल्ड रखेंगे, ठीक है, तब भी ये की प्रेस इवेंट फायर होता रहेगा, और फिर जब आप फिंगर छोड़ देते हैं तो वो की अप होता है। तो की डाउन, प्रेस और अप, ये इनका सीक्वेंस है। अब की डाउन जो है, दिस इवेंट इज रेज्ड व्हेन यूजर प्रेस अ फिजिकल की, द हैंडल ऑफ द की डाउन रिसीव। इसमें की इवेंट आर्गुमेंट होता है, जिस तरह आप पीछे माउस में देख रहे थे, माउस इवेंट आर्गुमेंट है, इसमें की इवेंट आर्गुमेंट है, जो कि आपको की कोड रिटर्न करता है कि फिजिकली बटन कौन सा है, उस बटन की क्या है। अब यहाँ पे आपको की से की मैच करनी हो कि कौन सी की प्रेस हुई है, तो की कोड, ठीक है, और की डाटा है। की कोड में आपको कीज के कोड मिलते हैं और उनको आप मैच कर सकते हो। कीज की इनुमरेटेड क्लास है, कीज डॉट करके जितनी भी कीबोर्ड की कीज हैं वो वहां पे लिस्टेड होती हैं। कीज डॉट ए बी सी या डिजिट, इवन एफ, फंक्शनल कीज, ठीक है, ये सारी आपके पास अवेलेबल होती है। उसके बाद कीज मॉडिफायर्स। अब ये जो मॉडिफाइड प्रॉपर्टी है, ये वो है जो आपकी किसी भी की के साथ आप एडिशनल की प्रेस करते हो, जिस तरह आप सेव करने के लिए कंट्रोल एस करते हैं, तो कंट्रोल एस, ठीक है। अब अगर कोई की प्रेस हुई है या की डाउन हुई है, तो उसके साथ कोई मॉडिफायर भी है या नहीं है, और है तो वो कौन सी की है, वो शिफ्ट है, कंट्रोल है, ऑल्ट है, क्या है, ये आपको मिलता है। की डाटा में दोनों चीजें मिलती हैं, और की इवेंट आर्गुमेंट्स इसका पैरामीटर है। इस तरह की प्रेस है, ये बता दिया आपको कि इसमें भी आपको चीजें, ये एक कैरेक्टर्स मिलते हैं, लेकिन की प्रेस जो है, ये इवेंट सिर्फ और सिर्फ करैक्टर कीज के लिए है, आई मीन जिनकी आउटपुट में कोई करैक्टर है, जैसे ए टू जी करैक्टर्स हैं, 0 से 9 डिजिट्स हैं, ये कीज की प्रेस में आपको मिलेंगी। लेकिन जो नॉन करैक्टर कीज हैं, जिस तरह फंक्शनल कीज हो गई, एरो कीज हो गई, या आर्ट कंट्रोल शिफ्ट की कीज होगी, वो तो खैर मॉडिफायर्स हैं, बट ये जितनी कीज हैं, फंक्शनल कीज वगैरह या एरो कीज, ये की प्रेस में आप नहीं कैच कर सकते, ठीक है। आपकी अप, इसमें भी जब की आपकी आप प्रेस करके छोड़ते हैं, तो अब इसमें आपको जो इवेंट जरूरत होता है, आप वही इवेंट अपने यूज करते हैं। अब की अप में भी आपको की कोड मिलेगा, मॉडिफायर्स मिलेंगे, की डाटा मिलेगा, की डाटा में दोनों चीजें होती हैं। अब जिस तरह आपको मैंने बताया कीज की न्यूमरेटेड क्लास है, तो जो भी इवेंट अकर होता है उसका की कोड आप गेट करें और उसको मैच कर लें कीज डॉट एंटर, ये एंटर की जो आप प्रेस करते हो, कीज डॉट ए, यहाँ पे ए का लेटर आ जाएगा, बी का लेटर आएगा, डिजिट आएंगे, फंक्शनल की F1, F2, ठीक है, ये सारा आप, तो कह रहे हैं कि मैसेज डॉट शो एंटर की प्रेस, ये जो ही आप एंटर की हो तो ये इवेंट जब मैच करे तो मैसेज आ जाए, इस तरह के आप इवेंट्स लिख सकते हैं।
जब की डाउन इवेंट्स जो है इस पे एक्सप्लेनेशन है, दिस इवेंट रेज्ड एज सून एज द यूजर प्रेस अ की ऑन द कीबोर्ड, इट रिपीट्स व्हाइल द यूजर कीप द की प्रेस्ड, ठीक है ना, जो ही वो की प्रेस रहेगी ये रेज रहेगा। की प्रेस इवेंट है, दिस इवेंट इज रेज द कैरेक्टर कीज व्हाइल द की इज प्रेस्ड एंड देन रिलीज्ड। अब आप एक दफा प्रेस करते हो, रिलीज करते हो, जो ही आप रिलीज करते हैं तो वो आप इवेंट होता है, उससे पहले की प्रेस। अगर आप किसी एक करेक्टर को प्रेस करके बैठते हैं तो की डाउन इवेंट्स बार 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 रिपीट होता रहेगा, बट जो आपका की प्रेस है वो उस टाइम होता है जब आप उसको प्रेस करके छोड़ते हैं तो की डाउन है। लेकिन की प्रेस जो है ये नॉन करेक्टर कीज है के लिए नहीं होगा, नॉन करेक्टर की मुराद है फंक्शनल कीज। और की अप जो है ये आपका जब आप की छोड़ते, इसका मकसद है की डाउन, की प्रेस और की अप, ये तीन इवेंट्स हैं, ये आपने करने, अंडरस्टैंड। और इसके बाद अब इस एग्जांपल में अगर हम देख रहे हैं कि ये हमारे पास टेक्स्ट बॉक्स है, तो टेक्स्ट बॉक्स के ऊपर की इवेंट्स, फॉर्म के ऊपर की इवेंट्स, किसी भी कंट्रोल पे आप की के इवेंट्स लगा सकते हो। टेक्स्ट बॉक्स इनपुट लेता है, यस, बट वो की इवेंट नहीं है, वो इसका अपना इनपुट है, ठीक है, वो इसका बिहेवियर इनपुट का है। अगर आप इसके ऊपर की इवेंट रखेंगे कि जब इस टेक्स्ट बॉक्स पे फोकस है, आपकी कोई की प्रेस हो रही है, आपने फॉर एग्जांपल इस टेक्स्ट बॉक्स पे नंबर्स नहीं लेने तो आप मैच कर सकते हैं, या आपने कोई एक लेटर भी टाइप करने देना एक करेक्टर, ठीक है, उसमें आप क्या करेंगे कि जस्ट आप हर की टाइप इवेंट पे या की डाउन पे, हमें की डाउन पे या की प्रेस पे, क्योंकि करेक्टर्स हैं तो की प्रेस इवेंट यूज करने के, की प्रेस के ऊपर आप चेक करें जो भी वो टाइप कर रहा है एक एक करेक्टर, अगर वो है तो उस इवेंट को कैंसिल करना, तो वो इसमें नहीं आएगा। अब इसी तरह यहाँ पे ये की टेक्स्ट बॉक्स के ऊपर जो ही आप एंटर प्रेस करोगे तो आपको मैसेज आना चाहिए कि एंटर की इज डाउन, तो की डाउन के ऊपर आप एंटर की को, ये आपकी न्यूमरेटेड क्लास है, इससे मैच हो रहा है। इसी तरह इसका अप का इवेंट भी यहाँ पे है, जब आप उसको रिलीज करते हैं तो एंटर की इज रिलीज और प्रेस है, और जब ये दोनों के केस में आप वहां देखें कि इवेंट आर्गुमेंट जो है ना, आर्गुमेंट्स को अगर देखें की डाउन में की इवेंट्स आर्गुमेंट है, और इसका की कोड आप मैच करते हो कि ये की कोड क्या है, और कि आप में आप भी की इवेंट्स में की कोड जो है ना, यहाँ पे की इवेंट्स है अब, लेकिन जब की प्रेस है तो यहाँ पे की प्रेस इवेंट आर्गुमेंट्स है, की इवेंट्स आर्गुमेंट नहीं है। एक तो ये डिफरेंस, दूसरा जो एंटर है वो यहाँ पे की कोड से मैच हो जाता है, जो एंटर है ये इवेंट जो है की प्रेस, ये की चार का प्रॉपर्टी देता है, की कोड की जाए की का जो करेक्टर है आप उसको मैच कर सकते हैं कीज के इवेंट को, ये जो की स्टार्ट इवेंट है इसको एज ए चार इसका करेक्टर मालूम करके उस करेक्टर से इसका मैच कर सकते हैं, ठीक है। और फिर डेफिनेटली एंटर का भी एस की करेक्टर है, उससे मैच होगा और फिर आएगा प्रेस, या इसका चार इज इक्वल टू 13, ठीक है, तो एंटर का की करेक्टर इवेंट 13 होता है, तो उससे भी मैच कर लें तब भी ये मैसेज दे सकते हैं। ये हम नेक्स्ट एग्जांपल में परफॉर्म करके देखते हैं, ये हमारे की इवेंट्स हैं, थैंक यू, नेक्स्ट में इसको प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं।